कांग्रेस इस वक्त बड़ी मुसीबत से जूझ रही है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए, तो वहीं राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत का झगड़ा चल रहा है। इन सब के बीच अब पार्टी की कलह खुलकर सोशल मीडिया पर आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी से लेकर युवा नेता मिलिंद देवड़ा तक सभी कांग्रेस की हालत पर मंथन कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं को बीजेपी से सीखने की नसीहत देनी पड़ रही है। साल 2014 में कांग्रेस को मिली जबरदस्त हार पर पार्टी में अभी भी मंथन ही चल रहा है। इसी मामले में मनीष तिवारी ने शनिवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी साल 2004 से 2014 तक सत्ता से बाहर थी। एक बार भी उन्होंने कभी वाजपेयी या उनकी सरकार को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन कांग्रेस में दुर्भाग्य से कुछ बीमार विकृत लोग एनडीए और बीजेपी से लड़ने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साध रहे हैं। जब एकता की जरूरत है तो वो विभाजन की बात करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के इसी बयान का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने भी कहा कि आपने सही कहा, साल 2014 में मनमोहन सिंह ने जब पद छोड़ा था तब उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति ज्यादा दयालु होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि उनकी ही पार्टी के कुछ लोग उनकी वर्षों की सेवा को खारिज कर देंगे और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, वो भी उनके रहते हुए। इन दोनों नेताओं की बयानबाजी बता रही है कि कांग्रेस पार्टी में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की क्या स्थिति हो गई है। पार्टी के नेता उन्हीं पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सभी राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक हालात और कोरोना समेत कई मसलों पर चर्चा की गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में कुछ सांसदों ने साल 2014 और 2019 की हार को लेकर भी कई बातें कही। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें हार पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। वहीं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजीव सातव ने कहा कि आत्ममंथन की शुरुआत हमें पहले अपने घर से करनी चाहिए, हर तरह से आत्मनिरीक्षण करें, लेकिन हम 44 पर कैसे आए इस पर गौर किया जाना चाहिए। हमें 2009 में 200 से अधिक सीटें मिली थी। आप आत्ममंथन करने को कह रहे हैं, हम सभी मंत्री थे। सच कहूं तो देखा जाना चाहिए कि आप कहां असफल रहे, खास तौर पर यूपीए 2 के दौरान। नए नए सांसद बने राजीव सातव के इन्हीं बयानों के बाद पार्टी में जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। कोई मनमोहन सरकार के बचाव में बोल रहा है तो कोई विरोध में, लेकिन इन सब के बीच मनीष तिवारी ने बीजेपी नेताओं का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं को सीखने की नसीहत दी है और कहा है कि बीजेपी नेताओं ने कभी अटल सरकार को दोषी नहीं ठहराया।